गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ट्रायंगल की। तो व्हाट इज ट्रायंगल या डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आल्सो एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ए पॉलीगॉन which has three sides is known as triangle। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड हो वो आपका ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल का फिगर ये इस तरीके से बनता है। मान लीजिए हम इसको ए बी सी कह दें, तो जैसा कि इसका नाम है ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल है थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स आल्सो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके थ्री एंगल्स यहां पर होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है ए बी सी। किसी भी तरीके से हम इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कह दें, ट्रायंगल बी सी ए कह दें, नो प्रॉब्लम, ट्रायंगल सी ए बी कह दें। तो इसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो यहाँ पर आपके थ्री एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अगर हम यहाँ बात करें एंगल्स की, तो दे आर थ्री एंगल्स इन ट्रायंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और बात करें यहाँ पर हम साइड्स की, तो ट्रायंगल हैज ऑल्सो थ्री साइड्स। हियर थ्री साइड्स आर ए बी, बी सी एंड सी ए, ये आपकी थ्री साइड्स हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ट्रायंगल में आपके थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं। और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर वन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ तो यहां पर हम थ्री टाइप ट्रायंगल देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलेन ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल in which all the three sides are different, all the three sides are different कह दें या unequal कह दें, unequal is known as Scalene triangle। मतलब ये कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग हो लेंथ में, वो आपका स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। ये कुछ इस तरीके का फिगर हम बना दें, ए बी सी। हियर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो ये आपका हो गया स्केलिन ट्रायंगल। अगर हम बात करें आइसोसेल ट्रायंगल की, तो ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेल ट्रायंगल। मतलब ये कि एक ऐसा ट्रायंगल अगर हम देखें जिसमें कोई दो साइड इक्वल हो, तो वो आपका आइसोसेल ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ हम कहते हैं ए बी सी। यहाँ अगर हम सपोज करें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी,
सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम कह देंगे ये आपका आइसोसेल ट्रायंगल है। और तीसरे टाइप का बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। And now third one is equilateral triangle. A triangle in which all the three sides are equal. All the three sides are equal. Equal कह लें, same कह लें, in which all the three sides are equal is known as equilateral triangle. इसका अगर फिगर बनाए तो यहाँ पर इस तरीके से फिगर बनाए कि तीनों साइड्स आपके इक्वल हों, ए बी सी। तो हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ऑल द थ्री साइड्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हैं तो इनके तीनों इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो देन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इक्विलेटरल में, आइसोसेल ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये आइसोसेल ट्रायंगल हमने इस तरीके से बनाया था और इसमें बोला था कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी, ए बी के अपोजिट एंगल है सी और ए सी के अपोजिट एंगल है बी, एंड इन दिस केस द एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इन आइसोसेल ट्रायंगल इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। और अगर हम समराइज करें तो स्केलिन ट्रायंगल की भी बात कर लें तो स्केलिन ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल डिफरेंट, एंड इन सिमिलर वे ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो ये हमने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एंड नाउ अब हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और बच्चों अब हमने यहाँ पे लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। इसके पहले कि हम एंगल को लेके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बताएं, यहाँ पर हम एक स्पेशल बात आपको बताना चाहेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल को, ऐसा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल विच है, या यूं कहते हैं ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट देन ट्रायंगल इज नोन एज ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
जैसा कि हमने यहाँ देखा कि तीनों एंगल यहाँ पर एक्यूट एंगल होंगे, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेंगे, अदरवाइज मैंने अभी आपको बोला था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लो यहाँ पर हम 60 डिग्री और 60 डिग्री ऐसा ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं तीनों एंगल इक्वल हों, बट तीनों एंगल का एक्यूट एंगल होना जरूरी है। तो ये आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट ऑल द थ्री साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। ये केस है, लेकिन अगर एंगल यहाँ अलग अलग हो गए तो उनके साइड भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये हमने बात किया एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। हम दूसरे नंबर पे बात करें राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ तो तीनों एंगल का एक्यूट होना जरूरी था, बट राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल इन विच ए ट्रायंगल विच है 1 एंगल which has one angle at right angle is known as right angle triangle। मतलब ये कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल हो जाता है ये 90 डिग्री का, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बाकी दोनों एंगल ये 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, या दोनों 45 डिग्री के भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है, राइट एंगल होना जरूरी है, तो वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर हम बात करें, एक लास्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। A triangle in which one angle is obtuse is known as obtuse angle triangle. कहने का मतलब यह है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एक एंगल अगर राइट है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो वहां पर कंडीशन होती है कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल होना जरूरी है। अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल में 1 एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी 1 एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो डेफिनेटली बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, लेकिन इफ 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज देन ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लो अगर हम कहते हैं ये 120 डिग्री है और इसको हम 30 डिग्री कह दें और ये भी अगर 30 डिग्री कह दें, कोई जरूरी नहीं अलग अलग आप ले सकते, लेकिन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना जरूरी होता है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज आपको ट्रायंगल क्या होता है ये बताया, और ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल
दो तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।